नर्मदा नदी में बढ़ते हुए सतत जल स्तर के कारण एसडीएम बड़वानी श्री अभय सिंह ओहरिया ने रविवार की दोपहर पश्चात राजघाट के छोटे पुल के पहुंच मार्ग को खंती से खुदवा कर अवरुद्ध करवाया है। आपको बता दें कि छोटे पुल पर नर्मदा का जल स्तर इस समय 125.400 मीटर चल रहा है, जबकि खतरे का निशान 123.350 मीटर पर है। खंती खोदकर रुकवाया गया पुल पर एसडीएम अभय सिंह ओहरिया व तहसीलदार राजेश पाटीदार से नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से धक्का मुक्की और जमकर बहस हुई। अधिकांश प्रशासनिक अमला मौजूद था। पुलिस बल के प्रोटेक्शन में राजघाट पुल का मार्ग बंद किया गया। नर्मदा बचाओ कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुल के दोनों साइड खोदने की बजाय बैरिकेड्स लगाने की बात कही, जिससे बाइक या पैदल आवागमन चलता रहे, लेकिन प्रशासन ने इसे गलत तरीके से खोदकर बंद कर दिया, जिसका हम विरोध करते हैं। पिछली सरकार के समय इस तरीके से हुआ था, और नई सरकार जो संवाद कर रही इस प्रकार से होगा, तो इसके लिए हम तो ताकत से संघर्ष करेंगे और पुलिस से भी लड़े हैं और सरकार से भी लड़े हैं और इस बार सरकार से लड़ेंगे। पुल है राजघाट का जो है जल स्तर है खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने उसको ब्लॉक किया है। और इसके संबंध में चूँकि इनकी मांगे भी जायज है कि वहाँ आना जाना जो करता रहता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से इसको बंद करवाया जाना अति आवश्यक होने के कारण बंद करवाया। सर अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की हुई है, हंगामा हुआ है, किसी भी बंद करवाइए। अब अपने अपने जो है विचार व्यक्त करने का तरीका है, और सुरक्षा की दृष्टि से उसको बंद करवाना था तो बंद।